हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर सोशल साइंस क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेयर ट्री आर द मेन वेजिटेशन। सिमिलरली इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द ग्रासलैंड हैव ग्रास एज द मेन वेजिटेशन। द ग्रासलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू डिविजन्स, दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। पेरी, स्टेपी, पंपास, वेल्स आर द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पेरीज एंड वेल्ट ओनली। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पेरीज, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो हमारी जो पेरीज हैं वो जो टेम्परेट ग्रासलैंड में मतलब सिचुएटेड है, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर मतलब है, ठीक है। इसकी जो लोकेशंस है वो क्या है? द टेम्परेट ग्रासलैंड कॉल्ड पेरीज आर सिचुएटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। द पेरीज आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द USA, कनाडा, इन द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स। इसकी जो टॉपोग्राफी है मतलब इसका जो मतलब जो इसका जो मतलब एरिया कैसा है? द पेरीज हैव ए जनरल टॉपोग्राफी ऑफ ए फ्लैट रीजन, मतलब जनरली यहाँ पे जो फ्लैट रीजन है विद जेंटली स्लोपिंग लैंड, और दीज आर द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब वर्ल्ड के साथ सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स ग्रीन ग्रास दैट फॉर्म ए ब्यूटिफुल ग्रीन कारपेट्स। जैसे यहाँ के जो मतलब जो जो ग्रास के जो मतलब फॉर्म्स है वो ऐसे रहते हैं दूर से, जैसे बिल्कुल ब्यूटीफुल मतलब ग्रीन कारपेट्स हो, ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, द रीज़न बींग लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट एक्सपीरियंस वार्म समर विद अ टेम्परेचर लोवरिंग अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड विंटर टेम्परेचर एज लो एज -20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। यानी जो यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड समर में होता है और -20 डिग्री इन विंटर। द ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर दिस सीजन्स, और जो मतलब जो स्नो है वो भी यहाँ पे फॉल होती है। इट रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच प्रोवाइड बेस्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बिल्कुल मॉडरेट होती है, मतलब ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, और उस वजह से वो बेस्ट कंडीशन है ग्रास की ग्रोथ के लिए। द क्लाइमेट ऑफ दिस सीजन अफेक्टेड बाय द लोकल विंड कॉल्ड चिनको। और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो जो लोकल जो विंड है जिसको चिनको बोलते हैं, वार्म ड्राई विंड विच ब्लो डाउन द ईस्ट साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स एट द एंड ऑफ विंटर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ चिनको। द टेम्परेचर ऑफ पेरीज राइज इन शॉर्ट टाइम। इट रिजल्ट्स इन टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड मेकिंग पास्चर्स लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। जो चिनको जो विंड है उसकी वजह से मतलब जो टेम्परेचर है पेरीज का वो शॉर्ट टाइम के लिए मतलब राइज होता बढ़ता है, उस वजह से जो हमारी स्नो है वो मेल्ट होती है और जो पास्चर्स के लिए लैंड मतलब अवेलेबल होती है ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है मतलब कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे मतलब इस एरिया के अंदर फॉलो करती है, वो है मिसिपीसी और मेसोरी और सक्सताचुएंस आर द मेजर रिवर्स ऑफ द पेरीज रीजन्स। इन कनाडा द पेरीज आर ड्रेन बाय द रिवर सक्सताचुएंस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वाइल द USA द रिवर मिसिसिपी एंड मेसोरी प्रोवाइड वाटर टू द एरिया। यहाँ की जो सॉयल्स है वो कैसी है? जो चेरिजम्स ए फर्टाइल ब्लैक सॉयल्स रिच इन ह्यूमस की। यहाँ की जो सॉयल है वो कैसी है? बिल्कुल ब्लैक और ह्यूमस है उसके अंदर, मतलब काफ़ी फर्टाइल्स है वो। और सॉयल इज फाउंड इन द पेरीज, दिस सॉयल इज रिच इन ऑर्गेनिक कॉन्टिनेंट। द ह्यूमस कॉन्टेंट इन द सॉयल प्रोवाइड नाइट्रोजन अदर न्यूट्रंस लाइक फॉस्फोरस एंड पोटाशियम्स। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो सॉयल्स है वो काफ़ी मतलब एलोवेल है, जो मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और ग्रास पर्पस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ की कैसे? जो पेरीज के अंदर मतलब मेनली हमें जो मोस्ट जो सिग्निफिकेंट यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है? ग्रास है, ठीक है। और इट इज़ अप टू मीटर हाई, और 2 मीटर तक हाई होती है। ओनली मतलब कुछ ही ट्री यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अदरवाइज सारे के सारे मतलब यहाँ पे हमें मेनली ग्रास देखने को मिलती है। और बिसन एंड अमेरिकन बेफेलो यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरीज के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा डॉग है, ग्राउंड स्केरल्स हैं, हेयर्स हैं, बेजल्स हैं, कॉकटियर्स हैं, रैबिट्स हैं,
ग्रोपर्स हैं, ये दूसरे अदर्स एनिमल हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर और दूसरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, पेरिस के अंदर हमने पढ़ा है कि जैसे ग्रासलैंड है काफ़ी, मतलब बड़े बड़े, तो ये बिग फार्म एंड दे स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर क्रॉप, और मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप में ये स्पेशलाइज करते हैं, और यहाँ के जो फार्म है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। सम प्लेस इन द पेरिस रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर्स और दिस प्लेस आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज सॉयल इज़ फर्टिलाइज हेयर। बींग ए रीजन ऑफ फर्टाइल सॉयल इट सपोर्टेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, हाई क्वालिटी मशीन्स आर यूज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन पेरिस, ट्रैक्टर आर यूज फॉर टिलिंग लैंड एंड कंबाइंस फॉर ग्रोइंग सीड्स एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। द एवरेज साइज ऑफ द फार्म एवरी बिटवीन 150 to 200 hectares और मोर। पीपल वर्किंग एट द फार्म्स आल्सो लाइव ऑन द फार्म होम्स कॉल्ड होमस्टेड्स। ठीक है, और जो यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो क्या है, माइज है, पेरीज, पटेटो, कॉटन्स, वीट, सोयाबीन, अल्फा अल्फा एक्सेट्रा यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं। ठीक है, और सम एरिया ऑफ द पेरीज रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जो कुछ एरिया है यहाँ का वो बहुत ही मतलब लिटिल रेनफॉल रिसीव करता है यार यहाँ पे, इसलिए यहाँ की जो ग्रासेस हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट हैं। ठीक, और दिस एरिया इज़ आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग, और ये एरिया फिर किसके लिए मतलब ज़्यादा सुटेबल है, कैटल रियरिंग के लिए, और उसको यहाँ के जो लोग हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन्स का है वो मतलब अपने कैटल रियर के लिए काफ़ी मतलब फेमस हैं, और जो वो बड़े बड़े मतलब फार्म्स होते हैं जिनको रेंचेस बोलते हैं, जो स्पेशली मतलब USA कनाडा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ की जो पॉपुलेशंस populations in the Canadians part of the prairies, native Indians nomed in the vast plains, कि जो हमारा Canadian parts of the prairies है वहाँ पर native Indian मतलब जो Indian मूल के हैं मतलब जो भारत के हैं हिंदुस्तान के हैं roamed in the vast plain, और when the Canadians government introduced a number of negotiations with the native inhabitants, many people from Eastern Canada and British Isles schemes टू सेटल हियर, और दीज पीपल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर फुली ट्रेंड टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन इन दियर वर्क, और ये लोग मतलब वहाँ पर रहने लगे और काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, और उन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो मशीन्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके वहाँ पर मतलब अपना काफ़ी काम करें, एग्रीकल्चर्स वगैरह करें, या जो एनिमल्स हैं उनको रियर करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे मिनरल्स हैं कोल, आयरन और मैगनीज एक्सेट्रा यहाँ पे मतलब यहाँ के मेन मिनरल्स हैं जो मिलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा मतलब जो पेरीज जो हमारा ग्रासलैंड है उनका हमने लोकेशन पढ़ ली, उसकी टोपोग्राफी पढ़ लिया, उसका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है, क्लाइमेट, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर और दूसरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, पॉपुलेशंस और मिनरल्स। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर वेल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लोकेशंस, टोपोग्राफी, क्लाइमेट। ठीक है, और फिर हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेल्ड्स जो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका उसके बारे में रीड आउट करेंगे। थैंक यू।